नवी मुंबई निरुल में स्वामी नारायण मंदिर के ओर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। यह नज़ारा आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लयबद्ध तरीके से मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं, जिसमें जनता के लिए खास संदेश था, कई झांकियां थी, लोगों को संदेश देना चाहते थे। और बात की जाए गुरु स्वामी नारायण की, तो उनका मानना था कि भारत में शिक्षा सुलभ होना चाहिए, सबों को शिक्षा मिलना चाहिए। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, तब भारत विकसित देश बनेगा और लोगों के जीवन में सुख शांति आएगी। यही मंशा लिए हुए, यही संदेश देते हुए आज का यह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की झांकियां निकलती रही है। कहना यूँ गलत नहीं होगा कि दो दशक से लगातार इस तरह का शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि देखें यह कितना लंबा शोभा यात्रा था और कितने संयम के साथ लोग एक किनारे से मंदिर की ओर बढ़े जा रहे थे। निरुल रेलवे स्टेशन के करीब स्वामीनारायण का मंदिर है, जहां पर यह शोभा यात्रा समाप्त हुआ। इसमें किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आई। हमने भी सोचा कि क्यों ना आयोजक से उनका विचार जान लिया जाए कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। तो सुने उनका क्या कहना था। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ओके प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्वामीनारायण मंदिर समिति। सर, ये जानना चाहेंगे कि देखा ये जा रहा है कि आज जो शोभा यात्रा निकाला गया है, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? नारायण गुरु इस विश्व गुरु। अच्छा। केरला का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस है। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन ओके, विद्या के ऊपर ओके। और उनका 8 प्रिंसिपल्स है, बहुत सारा ऐसा रोज निकालने के लिए 8 प्रिंसिपल्स है। उनका एक फिलोसफी है, वन कास्ट वन गॉड वन रिलीजन फॉर मैन। अच्छा। ये फंडामेंटल है और उसका उद्देश्य है ये एजुकेट। उनका कहना ये है कि रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इलिटरेसी है। ओके। वो इलिटरेसी कैसे आगे बढ़ाना है, पढ़ाई मीन्स विद्या से जी। विद्या से विद्या ज्यादा होएगा तो पूरे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएगा जी। और कास्ट, केरला में बहुत सारा कास्ट सिस्टम होता था। ओके। केरला में बहुत कास्ट सिस्टम होता था, उसने फाइट किया है शांति मार्ग से। ओके। वो ब्रिटिश का टाइम में जी, उस टाइम में हम लोग ये मंदिर जाने के लिए अलाउ नहीं था। ओके। तो उनका जो ब्रेक्स है, सारे आदमियों को अभी मंदिर का प्रवेश करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा योगदान था जी। तो हमारा ये मंदिर समिति है, चेंबूर में 63 ईयर्स पहले स्थापित हुआ है जी। मंदिर में हमारे बहुत बड़ा संस्था।
तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।